तेलंगाना में एक ग्राम पंचायत के सरपंच को एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ये वाकया विकाराबाद जिले पोडूर मंडल के मनेगुड़ा गांव का है, जहां मनेगुड़ा के सरपंच विनोद गौंडे मोहम्मद साजिद पाशा को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए पकड़ लिया। बताया गया है कि साजिद पाशा ने मनेगुड़ा में एक जमीन पर इमारत तामीर करने के लिए दरख्वास्त दी थी और ग्राम पंचायत ने उसकी मंजूरी भी दी, लेकिन सरपंच विनोद गौंडे ने तामीराती इजाजत नामे के लिए 20 लाख रुपए का मुतालबा किया और 13 लाख रुपए में बात तय हुई। साजिद पाशा ने एसीबी हुकाम को इस मामले के बारे में इतला दी। शहर बंडलागुड़ा के पास विनोद गौड़ को रकम लेते हुए एसीबी के अहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इस मामले में मनेगुड़ा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी मानिकम से भी पूछताछ की गई। विनोद गौड़ को तहवील में ले लिया गया।